हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त है, स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नथिंग फोन 1 वर्सेस गूगल पिक्सल 6 से। जी हाँ, ये फ़ोन है 33,000 का, ये फ़ोन है 44,000 का, मगर दोनों में मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी हो चुकी है। नथिंग की भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है, मगर पिक्सल की भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। पिक्सल ऑलमोस्ट 2 साल बाद एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है इंडिया में, तो थोड़ा महंगा लगा मुझे। वैसे दोनों ही मुझे महंगे लगते हैं, पर तब भी कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है। तो वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारे दोनों फ़ोन, नथिंग फ़ोन 1 एंड गूगल पिक्सल 6a। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो बना लो। नथिंग में मिलता है आपको ग्लास बैक, वहीं गूगल पिक्सल 6 में प्लास्टिक बैक मिलता है। लुक्स वाइज एक आईफोन की तरह लगता है, पिक्सल 6 की तरह लगता है, और चौड़ाई में ऑलमोस्ट सेम है। वहीं अगर हम थिकनेस की बात कीजिए तो नथिंग फोन 1 8.3 mm है, वहीं हमारा पिक्सल 6 है 8.9 mm है। एल्युमिनियम का फ्रेम दोनों में मिलेगा। नथिंग में आपको सिर्फ पावर ऑन बटन, वहीं वहाँ पर आपको पावर ऑन बटन और वॉल्यूम की। टॉप पे आपको IR प्लास्टर मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम की नथिंग फ़ोन में, और यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलती है। बॉटम में सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, TV स्पीकर दोनों ही फ़ोन्स में, उसमें टाइप सी सिम ट्रे नहीं मिलती। सिम ट्रे की बात की जाए तो नथिंग फ़ोन 1 में आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, वहीं हमारे पिक्सल 6 में सिर्फ एक नैनो सिम का सपोर्ट करता है, या ई सिम आप डाल सकते हो। तो इसमें मैं कहूँगा नथिंग फ़ोन 1 मच बेटर लगा मुझे। वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। नथिंग फ़ोन 1 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट है। गूगल पिक्सल 6 से 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, और कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन सिर्फ मिलती है। और अगर हम रिजल्ट्स देखें दोनों ही फ़ोन्स में, तो चिन पिक्सल का कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। नथिंग में रियली काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मुझे लगी, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, वहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। दोनों ही स्टॉक UI मिलता है, और इसमें आपको 8GB रैम और 12GB रैम की ऑप्शन मिलेगी, और पिक्सल में आपको सिर्फ 6GB रैम की ऑप्शन मिलेगी। दोनों में एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिलता है, और 3-3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे जो कंपनी ने कहा है। हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको नथिंग के फ़ोन में 60Hz और 120Hz का, गूगल पिक्सल सिर्फ 60Hz के साथ सार लेता है। नथिंग फ़ोन IP53 स्प्लैश वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है, वहीं हमारा गूगल पिक्सल फ़ोन IP67 है डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट, जो मेरे हिसाब से मच बेटर है। स्टॉक एंड्रॉयड मतलब मिलता है तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते, काफ़ी क्लीन UI है दोनों ही फ़ोन्स में। बेंचमार्क की बात की जाए तो नथिंग फ़ोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 778G प्लस वाला चिपसेट, वहीं हमारे गूगल में मिलता है आपको गूगल टेंसर वाला। तो स्कोर देख सकते हैं, 1 लाख का डिफरेंस, 7 लाख स्कोर आए हैं पिक्सल 6a की, वहीं हमारे 6 लाख के पास आया है नथिंग फ़ोन 1 में। वहीं अगर हम Geekbench की बात की जाए तो मुझे गूगल टेंसर इतना बढ़िया चिपसेट नहीं लगा, हीटिंग इशू मिलता है इसमें, और थ्रॉटल भी मुझे मिला था जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपने चैनल पे। तो आज का रिजल्ट मच बेटर है, 94% नथिंग का और 81% पिक्सल का। वहीं अगर वाइड वाइन की बात की जाए तो दोनों में L1 का सपोर्ट मिलेगा, मतलब फुल HD का आप कंटेंट देख सकते हो। अब बात करते हैं दोनों के स्पीकर की, टेस्ट करते हैं किसकी स्पीकर की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। तो ऑलमोस्ट सेम लगी आवाज़ मुझे, मगर थोड़ी गूगल की बेटर लगी। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, दोनों ही OLED डिस्प्ले में आता है, मगर नथिंग में आपको 1 बिलियन मतलब 10 बिट डिस्प्ले मिलती है, जो मच बेटर हो जाती है। HDR10+ का सपोर्ट है, वहीं गूगल में आपको सिर्फ HDR का सपोर्ट मिलता है। 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी नथिंग में, मगर अगर हम कलर्स देखा जाए तो मुझे इवन नथिंग की डिस्प्ले ज़्यादा बढ़ गया, मगर कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पिक्सल में, जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही कलर्स में। और आपको कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्मूथ दोनों ही है, मगर आपको नथिंग फ़ोन में मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, तो
थोड़ी रिफ्रेश रेट मतलब स्मूथनेस ज़्यादा आएगी आपको एज़ कम्पेयर टू पिक्सल। मतलब पिक्सल अपन कौन से ज़माने में जी रहा है, एप्पल की ही तरह ये धुन में जीता है। 60 हर्ट्स का पैनल दे रहा है इस टाइम 2022 के मिड में, तब भी थोड़ा शॉकिंग लगा। तो नथिंग फ़ोन में एक चीज़ स्पेशल मिलती है जो इसको बिल्कुल यूनिक बनाती है, इसका है क्लिप इंटरफेस। इसमें 900 LEDs के बैक पे लगी है, 10 रिंगटोन्स दी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की हैं, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्लस आप कोई सॉन्ग भी लगा सकते हो। तो ये रियली यूनिक और काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, रियली लोग काफ़ी अट्रैक्ट और काफ़ी बढ़िया रेट करते हो। पिक्सल 6 नॉर्मल मतलब पिक्सल 6A नॉर्मल पिक्सल 6 प्रो और 6 की तरह ही है, ज़्यादा खास नहीं है। अब बात करते हैं कैमरे की। तो नथिंग फ़ोन 1 में मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं हमारे पिक्सल 6A में मिलता है 12 प्लस 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। दो OIS दोनों ही फोन्स में सपोर्ट करता है, प्लस 20x का डिजिटल जूम मिलता है नथिंग फोन 1 में, और गूगल पिक्सल 6A में मिलता है आपको 7x का डिजिटल जूम। वहीं वीडियो की बात की जाए तो 4K 30fps मिलता है नथिंग में, मगर पिक्सल 6A में 4K विद 60fps मिल जाता है, मतलब ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। मैंने काफ़ी पिक्चर्स ली थी, आप देख सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया है। तो इन पिक्चर्स में देखा जाए तो पिक्सल 6 से थोड़ा बेटर लग रहा है, जैसे कलर सेचुरेशन की बात की जाए और डायनामिक रेंज की बात की जाए तो मुझे पिक्सल 6A ने काफ़ी अच्छा इंप्रेस किया। ये 1x पे मैंने पिक्चर ली थी और यहाँ पर मैंने 7x का जूम किया था, तो आप देख सकते हैं पिक्सल 6A का डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा है। ये अल्ट्रा वाइड ली थी, इसमें भी मुझे पिक्सल 6A का डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा लगा। ये ऑलमोस्ट सेम ही आई है पिक्चर, कलर्स देख सकते हैं दोनों में काफ़ी अच्छे आए हैं, मगर मैं कहूँगा सेचुरेशन कलर्स थोड़े मुझे बेटर लगे पिक्सल 6A के एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी आपको कौन सा पसंद आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। काफ़ी नेचुरल कलर आए हैं और पिक्सल में नथिंग में थोड़ा बहुत सेचुरेशन मुझे लगा, हल्की हल्की काफ़ी जगह, और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो नथिंग को अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर यहाँ पर कलर मुझे नथिंग फ़ोन 1 का मच बेटर लगा। यहाँ पर ऑरेंज कलर ज़्यादा सेचुरेटेड कर दिया पिक्सल नथिंग फ़ोन 1 ने, तो मैं कहूँगा रियर कैमरे में मुझे इवन 12 मेगापिक्सल है पिक्सल का काफ़ी अच्छा लगा। वहीं फ्रंट की बात की जाए तो थोड़ा नथिंग मुझे बेटर लगा, क्योंकि नथिंग में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं पिक्सल 6A में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। मतलब नथिंग में थोड़ा सेचुरेशन है, तो जब मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया था तो ब्लर काफ़ी अच्छा है, मतलब एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। तो वीडियो की बात करते हैं, मैंने 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड की थी, देख लेते हैं कैसी आई है। और नथिंग फोन 1 दोनों के कैमरे में रियर कैमरे में 4K 30fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देख सकते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अभी सड़कों पे ही घूम रहा हूँ रात के 10 बजे ये कैमरा शूट करने के लिए। तो पिक्सल बेटर लग रहा है नथिंग से, तो और आप बताइए आपको कौन सा बढ़िया लगा। थोड़ी वॉक तेज करते हैं, तो पिक्सल 6A एंड नथिंग फोन 1 फुल HD 60fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और थोड़ी वॉक तेज करते हैं फिर देखते हैं। हाय एवरीवन, नथिंग फोन 1 और पिक्सल 6A के फ्रंट कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब देख सकते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ी वॉक टेस्ट करते हैं और देखते हैं स्टेबलाइजेशन है किस फोन में ज़्यादा बढ़िया। गर्मी बहुत है दुबई में, तो कैमरे में मैं कहूँगा कि पिक्सल 6A मच बेटर है नथिंग से, काफ़ी जगह मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अभी नथिंग को काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए, अभी भी इवन 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और आपको कौन सा बढ़िया लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। लास्ट बट द लीस्ट, दोनों ही फ़ोन्स में आपको चार्जर नहीं मिलेंगे, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, इवन कवर भी नहीं मिलेगा।
और नथिंग में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं हमारे गूगल पिक्सल 6a में मिलती है 4410 mAh की बैटरी और वो सिर्फ 18W का चार्जर सपोर्ट करता है। नथिंग का चार्जर 33W का है, तो इसमें थोड़ा नथिंग बेटर लगा मुझे, मगर चार्जर तो देना चाहिए था नथिंग को, एक न्यू कंपनी है एज़ कम्पेयर टू पिक्सल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको कौन सा फ़ोन बढ़िया लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी हो तो एक लाइक कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।